मेरे प्रिय दर्शक मित्रों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। महिया हत्याकांड की यह श्रेणी के सातवें भाग में मैं आपको महिया हत्याकांड में जूनागढ़ के अधिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूं। 28/12/1882 को सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक सुलेमान जमादार ने सत्याग्रह की खबर तलब कर राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के कार्यालय को अवगत करता रहा था। इस घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या खराब भूमिका जमादार सुलेमान ने निभाई थी। नरसंहार के बाद उसने कबूल किया था कि उसने मृतकों का शीर काटने का हुक्म दिया था। इस पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जमादार सुलेमान का गांव सांतलपुर था, इसलिए आज तक महिया दरबार सांतलपुर का पानी नहीं पीते हैं। जूनागढ़ के अधिकारी लोगों ने नोटिस लेकर भेजा, उसमें रामजी राजगौर, सामलाचारण, बनिया हरजीवन रणछोड़, पूंजा वीराचारण आदि गए और उन्हें कनाडा डूंगर में सुलह के लिए भेजा गया। लेकिन यह सुलह में रियासत के बड़े अधिकारी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दीवान साले हिंदी ने अपने दम पर ले ली थी और उसने अपने नवाब को कलंकित होने से बचाने में पूरी कोशिश की थी। लेकिन राज्य को दोषित पाए जाने और मुंबई सरकार द्वारा फटकार लगाने के बाद भी रेवेन्सक्राफ्ट ने राज्य को दोषी ठहराया और कहा कि राज्य महिया की हत्या करवाने का इरादा रखता था। जमादार अरब मुखासन का भी घटना में उल्लेख किया गया था। बापालाल माणेकलाल डिप्टी दीवान थे। वजीर बहाउद्दीन भाई सीधे तौर पर किसी कागजी दस्तावेज में नहीं दिखते, लेकिन वजीर बहाउद्दीन भाई और दीवान हरिदास विहारी दास देसाई ने महिया और नवाब के बीच बहुत समय बाद समझौता इस घटना का करवाया था। दीवान और उप दीवान दोनों ही व्यक्ति की हत्या रोकने के लिए जिम्मेदार थे और सहायक राजनीतिक एजेंट मेजर स्कॉट भी इन हत्या को रोक नहीं सके। इस समय की फाइलें की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है और दस्तावेजों से यह पता चलता है कि इन दोनों अधिकारियों ने नवाब को अंतिम क्षण तक इतनी जानकारी प्राप्त करने से दूर रखे थे। उन्होंने उनकी राय भी नहीं ली थी। ऐसा लगता है कि नवाब ने अपनी राजगद्दी संभालने को 3 माह हुए थे। वे निर्णय लेने में कच्चे या बिन अनुभवी लगते थे। घटना के बाद शर्मिंदा होने के बजाय जूनागढ़ रियासत ने नवाब सहित अधिकारियों को ही नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ने पुलिस अफसरों को बधाई दी। इस हत्याकांड को गंभीरता से नहीं लिया, बाकी बधाइयां थोड़ी देते। नवाब पर अगर किसी का दबाव भी होता तो भी यह बधाई देने के लिए बीमारी का कोई बहाना निकालकर नहीं जाता। लेकिन बधाई देने गए और एक ऐतिहासिक गलती नवाब ने कर दी जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए कनाडा डूंगर और जूनागढ़ रियासत के सिर पर यह कलंक हमेशा बना रहा। तब नवाब राज्य की सहिष्णु नीति शर्म से बड़ी झुक गई। जब महिया दरबार पर नोटिस जारी किए गए तो उन्होंने नवाब बहादुर खानजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने यह मांग
नवाब तक नहीं पहुंचाई और मुलाकात संभव नहीं हो पाई। नवाब और महिया दरबार के अच्छे संबंध बाकी रहे थे। नवाब और महिया ने पहले अच्छे संबंध रहे और दोनों आपस में बड़े प्यार से बुलाते थे। फिर भी यह बड़ी भयानक और पूरे सौराष्ट्र में खलबली मची गई।